हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मैट्रिक्स आव्यूह। आज बेटा हम सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये पता करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ध्यान दो, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। इसे मैंने ऐसे बताया, आप बेटा उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाली। यदि आपने ये निकाली और ये बेटा जीरो आई, ये बच्चों जीरो आई, तो हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और यदि आपने डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाला और वो नॉट इक्वल टू जीरो आई, जीरो नहीं आई, तो बेटा हम कहेंगे ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम बेटा क्वेश्चन पे आते हैं। आपको इस क्वेश्चन में कहा है आप प्रूफ कीजिए ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू पता करते हैं। किस तरह से निकालते हैं, ध्यान देना बेटा। सबसे पहले बेटा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ठीक है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, जीरो, ठीक है। तो जीरो ले लिया, पॉजिटिव है तो जीरो में तो कोई साइन ही लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब बेटा ध्यान देना, जीरो की सीध के एलिमेंट छोड़ दो। जीरो की सीध में बेटा ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट, ये छोड़ो ये छोड़ो, क्या बचा, टू टू थ्री वन, लिखिए टू टू थ्री वन, ठीक है। अब बेटा अगले पे चलते हैं, क्या है बेटा, वन, वन की बारी है, लेकिन आप साइन देखो कौन सा लेना है, नेगेटिव लेना है, तो यहाँ पे माइनस और वन लिया, ठीक है। अब बेटा वन की सीध के एलिमेंट छोड़ दो, ये छोड़े और ये भी छोड़ा, ये छूटे, क्या बचा, वन थ्री थ्री वन, लिख दो वन थ्री थ्री वन, ठीक है। अब इसे हम हटा देते हैं। अब बेटा किसकी बारी, टू की बारी, साइन कौन सा लोगे, प्लस का, तो प्लस टू ले लो। अब बेटा इस टू की सीध के एलिमेंट छोड़ दो, ये छोड़े ये छोड़े, क्या बचा बेटा, वन थ्री टू टू, लिखिए वन थ्री टू टू। अब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से, ये बेटा जीरो, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो, टू का वन में मल्टीप्लाई टू, बीच में हमेशा माइनस लेना है, ठीक है। नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करो, टू का थ्री में मल्टीप्लाई सिक्स, ठीक है, ये माइनस वन, फिर वही बात, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो, वन में वन का मल्टीप्लाई वन, बीच में क्या लोगे बेटा, माइनस, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करो, थ्री में थ्री का मल्टीप्लाई नाइन। अब बेटा प्लस का टू, फिर वही बात, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो, वन में टू का मल्टीप्लाई टू, बीच में क्या लेना है, माइनस साइन, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करो, थ्री में टू का मल्टीप्लाई सिक्स। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा, जीरो का इसमें मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आने वाला है, जीरो लिख लो, ये माइनस, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा बेटा, माइनस का एट, ये प्लस टू, इसका सॉल्यूशन माइनस का फोर, ये माइनस प्लस एट, प्लस माइनस माइनस टू इंटू फोर एट, कितना बनेगा बेटा, जीरो। आप ध्यान दो, आपने बेटा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाली और वो क्या आई, जीरो आई। यदि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए जीरो आता है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है कौन सा मैट्रिक्स हुआ बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बच्चों अगले क्वेश्चन में बेटा हमें ये मैट्रिक्स दिया है, आपसे कहा है प्रूफ कीजिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या करेंगे बेटा, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे,
यदि वह जीरो नहीं आई तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हम डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे। पहला बेटा क्या देते हैं, पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। ठीक है, सबसे पहले वन की बारी, तो क्या होगा बेटा, साइन कौन सा लोगे, प्लस का, तो ये हो गया प्लस का वन। अब बच्चों इस वन की सीध के एलिमेंट छोड़ दो, ये छूटे ये छूटे ये हट गए, क्या बचा बेटा, 0551, 0551। ठीक है, अब बेटा दूसरे वाले की बात, अब दूसरा कौन सा है, टू है, साइन कौन सा लोगे, माइनस का, तो ये हो गया माइनस का टू। अब बच्चों इसकी सीध के एलिमेंट छोड़ दो, ये छूटेंगे ये छूटेंगे, ये हट गए क्या बचा बेटा, 2351, लिखिए 2351। ठीक है, अब बारी किसकी, थ्री की, प्लस का थ्री लेना है, साइन कौन सा लोगे बेटा, प्लस का, तो ये प्लस का थ्री। अब बेटा थ्री की सीध के एलिमेंट छोड़ो, तो ये छूट जाएंगे ये छूट जाएंगे, ये हट गए ये हट गए, क्या बचा, 2305, लिखिए 2305। अब बेटा इसे हम सॉल्व करेंगे, ये बच्चों वन, सॉल्यूशन कैसे करोगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो, जीरो में वन का मल्टीप्लाई जीरो, बीच में हमेशा माइनस लेना है, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करो, फाइव में फाइव का मल्टीप्लाई 25, ये माइनस का टू, फिर वही बात, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो, टू में वन का मल्टीप्लाई टू, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कितना होगा, 15, साइन कौन सा लेना है बेटा, बीच में माइनस का, तो माइनस का साइन। ठीक है, अब बेटा ये प्लस का थ्री, फिर वही बात, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो, टू में फाइव का मल्टीप्लाई 10, बीच में बेटा माइनस साइन, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, थ्री में जीरो का मल्टीप्लाई जीरो। ठीक है, ये कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस का 25, ये माइनस का टू, इसे सॉल्व करो माइनस का 13, और ये क्या आएगा बेटा 10, ये माइनस का 25, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 × 13 26, ठीक है 13। ठीक है, अब बेटा इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये माइनस का 25, इन दोनों को जोड़ोगे 56, अब प्लस माइनस माइनस होता है, 56 में से 25 माइनस करो 31 प्लस का। ठीक है, आप ध्यान दो, आपने डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ ए निकाली, वो आई 31, जीरो नहीं आई, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं आई, इसका मतलब मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह से बेटा हम पता कर सकते हैं हमें जो दिया हुआ मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।